हेलो दोस्तों, बेस्ट फैक्ट में खुश आमदीद। दोस्तों, आसमानी बिजली दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज़ हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पेयर्स करंट होता है जो ज़मीन पर दो तरह से लपकता है। आसमानी बिजली अमूमन उन चीज़ों पर गिरती है जिनसे हवा छू रही हो, इसलिए बिजली वाले कड़कते तूफान में किसी दरख्त के नीचे नहीं ठहरना चाहिए, बल्कि किसी नशेबी और खुली जगह में बैठ या लेट जाना बेहतर है, चाहे बारिश से कपड़े आपके भीग ही क्यों न रहे हों। आसमानी बिजली से बचाव के लिए भी एक महफूज जगह है, वो है कार। कार एक गार का काम देती है। आसमानी बिजली पानी से टकराती है, इसलिए तूफान में ठहरना नहीं चाहिए। मजीद, अगर आप किसी खुली जगह पर हैं तो तूफान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाने वाली चीज़ गरज है। हालांकि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यह जानने के लिए कि आया आसमानी बिजली आपसे करीब है या दूर, एक बेहतरीन तरीका यह है कि बिजली की चमक देखते ही गिनती गिनना शुरू कर दें। उस वक्त तक गिनते रहें जब तक गरज ना सुनाई दे। एक और दो, एक दो और तीन चार पाँच। अगर आप गरज सुनने से पहले पाँच तक गिन लें तो समझ लें कि आसमानी बिजली आपसे 1.5 किलोमीटर दूर है, किसी जगह पर टकरा चुकी है और अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अगर आप 10 तक गिन सकें तो समझ लें बिजली आपसे 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब बिजली की चमक दिखाई देने के साथ ही गरज की आवाज़ भी सुनाई दें तो इसका मतलब है कि आसमानी बिजली आपसे बहुत करीब है। इस तरीके से आप बिजली के गिरने का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो आपसे कितने दूर गिर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।